बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जी ड्रेसिंग टेबल की सेटिंग की वीडियो। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलें जी टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो ड्रेसिंग टेबल की सेटिंग की वीडियो। तो किस तरह से सेट करते हैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लीनिंग की शेयर की थी, उसमें सारी कुछ चीज़ें वगैरह हमने क्लीन की थी कि और ड्रेसिंग टेबल को भी सारा क्लीन किया था, तो उसकी वीडियो शेयर की थी मैंने। जिसने देखी है बहुत शुक्रिया, जिसने नहीं देखी हुई ऊपर लिंक शो है, आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। आज हम करते हैं जिसकी सेटिंग जी। सबसे पहले मेकअप की सेटिंग करते हैं, फिर आगे साथ साथ चलते जाएंगे, जो जो मैं करूँगी सारा कुछ आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। तो सबसे पहले इसके नीचे, सबसे नीचे मैंने जो है ना पैलेट को सेट किया था, फिर उसके ऊपर छोटी चीज़ें, फिर उससे छोटी चीज़ें, क्योंकि ये दराज है मेरा छोटा सा, मतलब कितना भी छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। मेरा सारा मेकअप इसके अंदर आ जाता है, जितना इसमें आता है ना मैं ज़्यादातर इसमें रखती हूँ। इसके अंदर मेरा तकरीबन सारे मेकअप आ जाता है, जो चीज़ें रह जाती हैं वो फिर मैं दूसरे दराज में रखती हूँ। तो मैं आम रूटीन में यूज़ करने वाला पार्टी पर, मतलब कि जाना हो या कहीं, उसमें यूज़ करने वाला सारा जितना भी है, शादी वगैरह फंक्शन जो होते हैं इस तरह के, जितना भी यूज़ करने वाला मेकअप है वो मेरा इसी में पड़ा होता है। और मैं इस तरीके से सेट करती हूँ कि जो मेरा आम रूटीन में यूज़ करने वाला है वो मैं आगे रखती हूँ, और जो मेरा पार्टी वगैरह पे फंक्शन पे यूज़ होने वाला होता है वो मैं पीछे रखती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मैं बारी बारी सारा कुछ सेट कर लेती हूँ। अब तकरीबन मेरा सारा मेकअप सेट हो चुका था जो मैंने पहले क्लीन किया था। अब जो रह गया था क्लीन करने वाला, अब उसको पहले क्लीन करते हैं फिर उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ये बॉक्स था मेरे पास, एक लिपस्टिक वाला ये रह गया था क्लीन होने वाला, क्योंकि ये अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा जो ना गंदा हुआ था। उसको भी वैसे मैंने उन दोनों बॉक्स के अंदर भी जितनी चीज़ें थी उनको क्लीन की थी, लेकिन इसके अंदर यह था लिपस्टिक वाला, लिपस्टिक कंसीलर जो इस तरह से होते हैं ना लिक्विड, वो था। तो इसको ना काफ़ी के अंदर से भी गंदा हुआ था, मतलब कि कोई भी चीज़ वगैरह गिर जाती है या कुछ, तो मैंने सोचा कि इसको अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लेते हैं, फिर इसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी क्लीन करके फिर रखेंगे। अब एक एक चीज़ को पकड़ के तो इसको हम क्लीन करते हैं। इसके अंदर मस्कारे हैं, कुछ लिप ग्लोज हैं, कुछ जो है ना लिपस्टिक्स हैं, और जो है ना साथ में जो आई शेड के ऊपर लगाने वाले ग्लिटर हैं, कंसीलर हैं, इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो अगर आप लोग मेरे मेकअप की कलेक्शन देखना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपनी मेकअप की सारी कलेक्शन जो है ना शेयर करूंगी। इसको मैं वाइप्स के साथ अच्छे से क्लीन करती जा रही हूं ताकि इसके अंदर जितना भी चीज़ें वगैरह गिरी हुई हैं, क्योंकि इसके अंदर मेरा एक कंसीलर था तो वो ना उसका पता नहीं किस तरह से कैप खुला रह गया था, तो वो सारा ना अंदर गिर गया था, वो था भी लिक्विड तो वो अंदर गिर गया था सारा, तो उसकी वजह से जो है ना सारा ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, शायद बॉक्स उल्टा हो गया था तो इस वजह से यह कैप कहीं खुल गया था या क्या हुआ पता नहीं चला, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ना गंदा हो गया हुआ था बॉक्स। तो अब इन सब को पहले मैंने वाइप्स के साथ अच्छे से क्लीन किया, अब जो है ना टिशू बॉक्स टिशू के साथ जो है ना अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जो है ना इसको अब सारी चीज़ों को भी टिशू के साथ क्लीन करूँ, क्योंकि इनको अगर पहले मैं करके नहीं ना मुझे रखना याद रहा तो इस वजह से ये फिर अभी गीले ही थे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो साथ साथ टिशू के साथ ना इनको खुश करती जाती हूँ, साथ ही बॉक्स में डाल के ना रख देती हूँ। तो यहाँ पे फिर इस तरीके से जो है ना मैंने सारी चीज़ों को क्लीन कर लिया था। आप भी अपनी इस तरह की जो चीज़ें होती है ना मेकअप वगैरह की, इनकी खास तौर पे एहतियात कराया करें, इनकी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़रा सा भी इनका कैप वगैरह खुला रह जाए या कोई टूट जाए साइड से या कोई चीज़ लग जाए तो ये बहुत जल्दी इनकी वजह से ना सारी चीज़ों ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने, मुझसे भी ये गलती हो गई थी कि कैप शायद लूज़ रह गया या क्या हुआ, तो वो बॉक्स जब उल्टा हुआ तो सारा अंदर गिर गया, तो सारी चीज़ें मेरी जो है ना ख़राब हो गई थी। उस एक कंसीलर की वजह से दो तीन चीज़ें जो है ना मेरी ज़ाया हुई थी, उनको फिर मुझे बाहर फेंकना पड़ा। तो यहाँ पे देखें जी ये बॉक्स हमारा हो गया जी रेडी, इसको भी हम अंदर रखते हैं। और जो है ना ये वाला बॉक्स, ये कुछ लिप पेंसिल थी वो उस बॉक्स की थी, फिर मैंने निकाल के उसके अंदर रखी, इनको सारा क्लीन किया, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने तकरीबन दिसंबर में हम शादी पे गए थे तो उसकी वीडियो मैंने शेयर की है, मेरे हमारे नेबर्स की बेटी की शादी थी,
अगर किसी ने देखी है तो बहुत शुक्रिया, जिसने नहीं देखी वो जाके वॉच कर सकते हैं, ऊपर लिंक शो हो रहा है। तब मैंने मेकअप जो है ना इधर उधर हुआ था, तो फिर मैंने इस वजह से आज फिर मैंने सारा कुछ ना उसको प्रॉपर सारा सेट किया था। तो हमारा सारा क्लियर हो चुका है, तो अब जो है ना बैग भी तब तक खुश्क हो गए थे और ज्वेलरी वाले बॉक्स भी। तो अब सबसे पहले हम करते हैं जी बैग की सेटिंग और फिर जो है ना ज्वेलरी की करेंगे। तो यह जो बैग हैं सारे मैंने दोबारा से इनको रैप किया था सब को अपने अपने शॉप। पहले मैं ना इस तरह से रैप करती हूँ कि पहले कोई भी कागज़ वगैरह या कुछ हो वो उनके अंदर भरती हूँ, ऐसे मैं कभी भी नहीं छोड़ती। अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो फिर ये जो इनके ऊपर सिलवटें आती है ना वो सिलवटें नहीं आती। उसके बाद इनको शॉपर में पैक करके फिर रखती हूँ, इस तरह से इनके ऊपर डस्ट नहीं पड़ती और ना ये ख़राब होते एक दूसरे के साथ अटक अटक के। तो इस तरह से अगर आप लोग भी करोगे ना एहतियात, तो फिर आपके बैग कभी भी ख़राब नहीं होंगे और सालों साल चलेंगे। मेरे तो काफ़ी टाइम चल जाते हैं, मैं तो इनको जल्दी जल्दी फेंकती भी नहीं हूँ जब तक ये ना अच्छी तरह से ख़राब ना जाए, क्योंकि मैं बड़ी एहतियात करती हूँ तो मेरे जल्दी ख़राब नहीं होते। तो इस तरीके से जो है ना मैं रखती हूँ उनको। उसके बाद जी यहाँ पे जो है ना हमारे सारे बैग सेट हो जाएंगे, उसके बाद नीचे जो है ना हम सारी ज्वेलरी वगैरह सेट करेंगे। ये मेरा एक ही कैबिन को मैंने इस तरह से सेट किया हुआ है, ऊपर जो है ना सारे बैग्स रखती हूँ और नीचे जो है ना सारी ज्वेलरी। तो जो है ना क्योंकि इनको अगर मेकअप वाली चीज़ों के साथ रखें तो ज्वेलरी जो है ना सारी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं ज्वेलरी को ना बैग के साथ रखती हूँ ताकि इनकी तो मतलब कि ज्वेलरी को अगर मेकअप के साथ रखें ना तो उनकी स्मेल की वजह से और परफ्यूम की स्मेल की वजह से जो है ना ज्वेलरी ख़राब होने का होता है। इस वजह से फिर मैं ना इनको बैग और ज्वेलरी जो है ना एक में रखती हूँ। लोगों को मेरे ड्रेसिंग टेबल की सेटिंग कैसी लगी है आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। बस यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।